लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा तैयारी में जुट गया है। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चे की प्रदेश स्तरीय बैठक लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में आयोजित की गई, जहां पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद संगम लाल गुप्ता मुख्य रूप से बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा एक बड़े अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। 17 सितंबर को एक बड़ी बाइक रैली निकलेगी और साथ ही 24 सितंबर को एक बड़ा सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे की प्रदेश कमेटी की बैठक संपन्न हुई। ओबीसी मोर्चे ने फैसला लिया कि 17 सितंबर को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ओबीसी मोर्चा बाइक रैली निकालकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर सेलिब्रेट करेगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को लाभान्वित करेगा। 24 सितंबर को ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोशल मीडिया की वर्कशॉप करके ओबीसी समाज को सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ने के लिए सफल अभियान की शुरुआत करेगा। प्रदेश की संगठन की हर महीने बैठक होती है और उस बैठक में इस बार हम स्वयं आए हुए थे। सारे प्रदेश के जो पदाधिकारी थे, जो उनको कार्य दिए गए थे, उसके ऊपर समीक्षा थी और जो आगामी उनको कार्य करना है। 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी विश्वकर्मा सम्मान योजना का जो लॉन्च कर रहे हैं, उसके बारे में ओबीसी समाज अपने आप में गौरवान्वित है कि ओबीसी समाज को इतना बड़ा लाभ, 30 लाख लोगों को, 13 करोड़ में 30 लाख लोगों को सम्मान किया जा रहा है और हर जिले में एलईडी के माध्यम से ओबीसी समाज के कार्यकर्ता उसको ओबीसी समाज को दिखाने का काम करेंगे और एक बड़ी बृहद प्रयागराज में ओबीसी महाकुंभ की एक तैयारी हो रही है, जो ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी करने के लिए तैयारी कर रहा है।